साहब क्या कहेंगे आपके ओपोजिशन लीडर के बगैर कौमी असेंबली चल रही है? जी मेरा ख्याल है ये अपना जो है कौमी असेंबली पे भी और जमहूरियत पे भी एक जख्म है कि ओपोजिशन लीडर को धर लिया गया है और कोई सबूत नहीं है और आज भी कोर्ट की जो अपना कार्रवाई थी उसमें नैब के पास कोई जवाब नहीं था। मैं यही कहूँगा कि ये न्याजी साहब का बुक्स जो है ना वो अब छुपाए छुपता नहीं है और न्याजी साहब को चाहिए कि अपनी पंजाब कबीना में कब्जा ग्रुप को तलाश करें और जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं और इस ऐवान का भी मैं कहता हूँ कि ये कुर्सी जो है बड़ी एहतराम की कुर्सी है लेकिन यहाँ पर जो शख्स विराजमान है उसने पंजाब बैंक को लूटा है और मुनस अलाई के ऊपर भी NICL का स्कैंडल है तो ऑपोजिशन लीडर को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने 10 साल सूबे की खिदमत की और पंजाब बैंक के जिन्होंने डाका डाला जिन्होंने कब्जा ग्रुप जो अलीम खान है वो दंदनाते फिरते हैं तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है। और आज अदालत ने ये भी कहा है कि न्याजी साहब जुर्माना अदा करें तो गरीबों की रेड़ियाँ उठाने के लिए तो अपना हुकूमत की क्रेन चलती है लेकिन न्याजी साहब के बनी गाला के नजायज़ तजावजात जो हैं उसका भी बताएं। और मैंने आज कहा है मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैर सपाटों में जो हेलीकॉप्टर का फ्यूल जो है इन्होंने खर्च किया न्याजी साहब ने और नैब में केस है उसका भी जवाब दें। और मैंने आज ये कहा है मैंने कहा अगर मरीम नवाज़ जेल जा सकती हैं तो अलीमा खान का जो ऑफशोर कंपनी है उसका केस भी खुलना चाहिए और न्याजी साहब को खिलाड़ी का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए लेकिन ये खिलाड़ी भी नहीं है ये अनाड़ी हैं और खिलंडरे हैं जिनकी हुकूमत है। और आज स्टॉक एक्सचेंज देखें आप जमी बोस हो गया है डॉलर कीमत में इजाफा हो गया है तो ये जो कल परसों लाहौर में और फैसलाबाद में जो ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हुआ है उसने जाली मैंडेट की पिटारी से पर्दा उठा दिया है। अच्छा लाहौर का मार्का एक मरतबा फिर आपने जीता है इस पे क्या कहेंगे लाहौर का जो मार्का आपने जीत लिया है? मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ पाकिस्तानी कौम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने अपने वोटों पे डाका डालने के बावजूद एक दफा फिर साबित किया है कि उसने मैंडेट जो है मुस्लिम लीग नून को दिया था। और आज भी देखेंगे 11 वोटों का फ़र्क है और मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी अददी जमात है पंजाब में तो ये जाली हरकतों से जाली मैंडेट से आवाम के दिल नहीं जीते जाते और इंशाल्लाह हम एक भरपूर ऑपोजिशन किरदार अदा करते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत ने तो नमूदो नुमाइश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जब 55 रुपये फ़ी किलोमीटर फवाद चौधरी बताते हैं और इस हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है भैंसें बेची हैं और गुसलखाने साफ किए हैं और अवाम के ऊपर 900 अरब का बोझ डाला है कर्जों के। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक अहमद खान साहब जो कि साबका हुकूमत के तर्जुमान रह चुके हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एजुकेशन का जो बजट है उस पर कट लगाया गया है जबकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पंजाब को एजुकेशन की है, क्या कहेंगे? देखें ये बजट जो है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है जितना हम इस पर एक बर्ड्स आई व्यू में मैं कह सकता हूँ क्योंकि हॉल के अंदर बड़ा शोर शराबा था, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच बिल्कुल कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो अभी इस बजट का बगौर जायज़ा लेते हैं और ये इन्होंने ज़रूर इन्होंने क्योंकि सारे बजट्स पे कट लगाए हैं और इसमें एजुकेशन के बजट को भी इन्होंने इफेक्ट किया होगा और ये अवाम दुश्मनी पर मबनी है, ये बिल्कुल नाकाबले कबूल होगा। और अभी इनको एक एक चीज़ पर हम अपने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कट मोशंस में हर चीज़ में हम बताएंगे कि जो इन्होंने गलत किया। ठीक है, अच्छा अभी मैंने देखा कि ओपोजिशन ने नारेबाजी भी की, कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद नहीं इस्तेमाल करने चाहिए अपने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, क्या आपको लगता है अखलाकी है ये? नहीं मैंने नहीं सुने क्या क्या अल्फाज। डोंकी राजा की सरकार, डोंकी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उर्फे आम में ये इसको आपको तशबीह देनी चाहिए, ये कोई इट मींस नथिंग उर्फे आम में नहीं है। चलिए अभी बताइए कि ओपोजिशन के बगैर कौमी असम्बली चल रही है, लीडर जो है वो एहतसाब अदालत के जेल में है और हम देख रहे हैं काफी अफरा तफरी की हालत भी है लेकिन जब हम अवामी मैंडेट देखते हैं, जब हम अवाम की बात करते हैं, लाहौर का मार्का नून लीग जीत जाती है इन बिटवीन, क्या कैसे हालात लग रहे हैं आप? देखिए इन 50-55 दिनों में ही अवाम ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, ये आपके सामने है, ये प्राइम मिनिस्टर की जीती हुई सीटें लूज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने सीट्स लूज की हैं, जो इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो फेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनकी अपनी आबाई नशिस्त लूज हुई है। तो ये किस चीज़ का तासुर है, ये किन दिनों की खबर दे रहा है, ये बता रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को गवर्नमेंट्स
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किसी सूरत भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही, और इनकी महंगाई जो इन्होंने कर दी है, इनकी जो एक बिल्कुल डायरेक्शनलेस क्लूलेस गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ अवामी रद्देअमल है। तो मलिक साहब, ये प्रिपेयर होके नहीं आए, अगर ये कह देते कि अभी मेरे पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, हुकूमती खजाने में पैसे नहीं है, तो ये माना जा सकता था, लेकिन आते साथ 100 दिन का एजेंडा भी दे देते हैं आप, कैसा लगता है? नहीं देखें, ये परसेप्शन मैनेजमेंट की रिजीम में जिंदा हैं। ये इनका मुद्दा सिर्फ इतना है कि एक परसेप्शन क्रिएट कर दी जाए कि खजाना खाली है, पिछली गवर्नमेंट पे मुद्दा ऐसा नहीं है। ये देखें, हम पाकिस्तान की मईशत 18 मरतबा बेल आउट पैकेजेस ले चुकी है, और ये एक ऐसी बात थी जिस पर इनको इस अंदाज में उसको पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए था कि पिछलों को डिफेम करने के लिए, डिसक्रेडिट करने के। मेरे लिए जो चीज़ डिसक्रेडिट है, आपकी वो मजबूरी है, ये कहाँ का इंसाफ है और कौन सी मंतक है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है, जो सूब से अब तक यहाँ पे मौजूद है और एहतजाज को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एहतजाज के बगैर भी कभी असम्बलियाँ चल सकती हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवामी बात हो और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवाम को फ़ायदा देने के लिए बात की जाए? एहतजाज के बगैर ज़रूर असम्बलियाँ चल सकती हैं, लेकिन हमेशा कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हुकूमत हमेशा खुद मौका देती है, कुछ ऐसी खराबियाँ क्रिएट करती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको फिर अपोजिशन लेके उसको तनकीद का निशाना बनाती है और फिर एहतजाज करती है। अच्छा, आज था बजट का इजलास, था तो बजट का इजलास, लेकिन असम्बली ने अपना गुस्सा निकालना था, जो चंद रोज़ पहले अपोजिशन ने गुस्सा निकालना था कि चंद रोज़ पहले इन्होंने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, तो इनको असम्बली में भी दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी, तो उसका गुस्सा इन्होंने आज निकालना था। बुनियादी नुकता होना चाहिए था आज का बजट, ओपोजिशन ने आज के बजट के ऊपर पढ़ा भी, कोई टाइम भी निकाला पढ़ने का, या फिर अपने ही उलझनों में उलझे रहे? अभी तो बजट कॉपियां मिली है, इन्होंने कहा बजट के पढ़ना है। हाँ। पढ़ेंगे जरूर, वो चीजें पढ़ेंगे जहां पर कोई तनकीद का पहलू निकलता हाँ। होगा, तो यही अपोजिशन का बुनियादी काम भी फेल भी यही होता है कि जी उन चीज़ों की निशानदेही करना जिस पर जो है वो कोई देखें कि वो जी यहां पे हुकूमत को तय कर रही है, कुछ अपोजिशन का मेन मकसद ये होता है। लेकिन अब अपोजिशन यहां पे आज का जो सिनेरियो था वो ये था कि जी शहबाज शरीफ को 14 रोज़ का मजीद रिमांड जो है वो अप्रूव हो गया, तो उस हवाले से भी गमो गुस्से का उन्होंने इजहार करना था, तो यही प्लेटफॉर्म उनको नजर आया बजट इजलास के मौके पर उन्होंने एहतजाज करना, तो उसके बाद फिर अभी देखा कि जी बजट इजलास खत्म होने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और उसके बाद धरना देकर उन्होंने भरपूर अपने घरों को लौट गए। बहुत शुक्रिया सलमान हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आगे भी बढ़ते हैं, अब हम ये बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से कि कौन से बजट में कट लगाया गया है और कौन से बजट को इजाफी कर दिया गया है, कौन से शोबे को ज्यादा पैसे दिए गए हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फियाज़ुल हसन चौहान साहब, जो कि पंजाब के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं बोल्ड अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन आज ओपोजिशन आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डोंकी राजा बोल गई, ये उन्होंने कुछ इंसाफ किया? अच्छा, आपने वो सुना लेकिन आपने अंदर नहीं सुना कि वो अपने कायद की याद में जनाब और उसके हिजर वसाल में उन्होंने जो नारे मारे हैं वो नहीं सुने आपने? वो सुने, वो 12 दिन से अपने कायद शहबाज शरीफ से दूर थे, उनकी शक्ल नहीं देखी थी, उनसे मुलाकात नहीं की थी, तो हिजर वसाल का शिकार होकर नून लीग के तमाम मेम्बरान ने डाकू 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 के नारे मारे अपने कायद की याद में, ताकि अपने कायद को याद भी करें और कायद को नैब की हवालात तक जाना। अपने कायद को तो नहीं कहा होगा? नहीं, अपने कायद को कहा ना, कैसे कैसे? उनकी बेसाख्ती थी। अच्छा। वो हिजर वसाल का शिकार होता है ना इंसान, तो बेसाख्ता जो याद करता है जना अपने किसी जना चाहे जाने वाले को, तो इसी अंदाज से शहबाज शरीफ साहब को डाकू डाकू कह के इन्होंने मुखातिब किया, जो इनका अंदर का जो जज्बा था। दूसरी चीज, पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा इस किस्म की बर्बरियत और बदमाशी असेंबली के अंदर हुई है। स्पीकर असेंबली के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, सेक्रेटरी असेंबली के ऊपर हमला हुआ, सेक्रेटरी असेंबली का टेबल जो है ना उसको जनाब तोड़ने की कोशिश की गई, उसके अलावा सेक्रेटरी असेंबली के आगे बैठे हुए जो मुलाजमीन थे असेंबली के, उनको मारा पीटा गया, उनके ऊपर जनाब हाथापाई हुई, उनके फर्नीचर को जनाब तोड़ने की कोशिश की हुई, और इस पूरे प्रोसेस को शहबाज शरीफ छोटू हमजा शहबाज साहब बड़े जिसे कहते हैं ना तमानत के साथ, चेहरे की लालियों के साथ, मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे और हल्ला शेरी दे रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ ये काबिले मजम्मत है, उन्हें यह मजम्मत करेंगे, कुछ आगे भी बढ़े वो तो स्पीकर साहब करेंगे ना, मैं स्पीकर नहीं, स्पीकर साहब को वो वीडियो आ जाएगी, जो जो बीच में इन्वॉल्व होंगे उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं असेंबली के, उसके मुताबिक फिर उसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है सर, ये बजट के हवाले से आवाम जानना चाहती है, उनके लिए बजट में सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है, क्या उनको सरप्राइज दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं इस मरतबा? देखें, कल आपकी पोस्ट बजट ब्रीफिंग होगी, वजीर खजाना मैं भी शायद साथ होगा, हम मिलकर जो है ये सारी ब्रीफिंग देंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। बुनियादी चीज़ यह है कि हमने तालीम और सेहत के
شعبے میں پہلے کی نسبت زیادہ بجٹ مختص کیا ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے یکساں پنجاب کا تصور دیا ہے. اس یکساں پنجاب کی ڈیٹیل آپ کو کل ہاشم جمع بخش صاحب بڑی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب سے لے کے شمالی پنجاب تک اور وسطی پنجاب تک تمام کو تمام وسائل پراپر طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے الفاظ کا گھورک دندہ پیش نہیں کیا. یہ جو نام نے ہاتھ خادم عوام کو سمجھ آئے گا, خادم اعلیٰ صاحب جو نا وہ اڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے جو الفاظ کا گھورک دندہ کیا کرتے تھے نا کہ ادھر سے لون لیں گے 20,000 روپیہ, یہ 20,000 روپیہ ادھر کے پروجیکٹ میں لگا دیں گے, نہ ادھر کا لون آتا تھا نہ ادھر کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا تھا. کمپلیکیشنز ختم کر دی. اس قسم کی ہم نے کوئی مارا ماری نہیں کی, ہم نے ایگزیکٹ وہی پیش کیا ہے جو ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم نے جادوگری نہیں کی الفاظ کی, ہم نے جگلنگ نہیں کی, ہم نے مداری پن نہیں کیا جس طرح پہلے یہ نون لیگ کی حکومت کیا کرتی تھی. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. کیسا لگا آج کا اجلاس؟ آج بہت شور تھا اسمبلی میں. ہاں جی, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے 30 سال تک شور تو انہوں نے مچانا ہے. جب لوٹا ہوا مال جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہو کہ اس کے اوپر قانون کا پہرا آ گیا اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور مال نکالا جا رہا ہے تو پھر شور تو مچے گا. اچھا, آج جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اوپر کوئی ایسا نقطہ اپوزیشن کو ملے گا آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ کا کوئی لوپ ہول آپ نے چھوڑا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ جس کرائسس کا ہم شکار ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ سارا کچھ ہم نے 45 دن میں تو نہیں ہوا, یہ تو پچھلے 30 سال کے جو تسلسل تھا, جس طریقے سے پنجاب کو لوٹا گیا اور جس طریقے سے ہر ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ تھا وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر اپنا مال اپنی کمیشن جو ہے اس کو فوقیت دیتے ہوئے یہ بجٹ بنے ہیں. یہ جتنا اورنج ٹرین ہے, یہ جتنے آپ کے یہ میٹروز ہیں, یہ سارے اس لیے بنے ہیں کیونکہ اس پہ کمیشن کھانی بڑی آسان تھی. 300 کا پروجیکٹ بناؤ, 100 ارب روپے کی جو ہے وہ اپنی کمیشن لو اور وہ باہر ہی باہر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. کمپنیاں بھی اپنی, بنانے والے بھی اپنے, نہ کوئی ٹینڈر, نہ کوئی طریقہ کار, نہ کوئی اس کے لیے کوئی پروسیس بھی جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے اور لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے مال بنایا. سب کا کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ابھی جو میاں صاحبان کے اوپر کیسز ہیں یہ تو ابھی آغاز ہے. آپ جتنی یہاں پہ جو یہ جو صرف 56 کمپنیاں ایک ایک کمپنی کھولتے جائیں گے اس میں آپ کو ہر کمپنی میں اربوں روپے کی کرپشن نظر آئے گی. 635 ارب کا پچھلے سال بجٹ تھا, 411 خرچ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو فگرز تھیں ان کو فج کیا گیا, ان کو خاص طور پہ بڑھا کے پیش کیا گیا. اور اگر 411 ارب تھے خرچ کرنے کے لیے تو کیوں 635 بتائے گئے؟ آج ہم نے آپ کے سامنے بالکل صحیح بجٹ دیا ہے, جو ایمانداری سے بنتا ہے, جو آج فیکٹس ہیں, جو آج پوزیشن ہے اس کے مطابق دیا ہے. اور میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں, پوری پنجاب کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں ہم نے جس عہد سے یہ ذمہ داری لی ہے ان شاء اللہ ہم اپنی قوم کو, اپنی عوام کو جواب دیں. ہمارے اوپر آپ کو کسی وقت بھی کسی چیز میں, کسی ایک چیز میں بھی بےضابطگی نظر آئے, ہم سب اس کے جواب دیں. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو 56 کمپنیز ہیں اس میں لوئر طبقے کا جو ملازم ہے کیا وہ گھر جائے گا یا اس کی نوکری بچائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو فوکس ہے یہ تو ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس میں سے مال لوٹا ہے. وہ بیچارہ جو وہاں پہ چپڑاسی ہے, جو یا وہاں پہ چائے پلانے والا ہے, اس نے تو مال نہیں لوٹا, اس نے تو بیچارہ نے صرف اپنی وہ تنخواہ لی ہے. تو بالکل ان کی سیف ہے, ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. لیکن جتنے لوگ اس میں, خواہ وہ سیاسی لوگ ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, جو اس میں شامل ہوگا اس میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے.